चैनल सीनरी ऑफ इंडिया में स्वागत करता हूं। मेरे तरफ से आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोलकाता से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्रामीण क्षेत्र से जा रहा था, तो सोचा कि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र का भी एक वीडियो मैं आपको बना के दिखाऊँ। तो चलिए इस ग्राम को थोड़ा भ्रमण करते हैं। पेड़ आम के साथ साथ सभी चीज़ की खेती यहाँ पर होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे केला का वृक्ष है, पेड़ है, और ये सरसों का अभी जो खेत में अभी सरसों की भी खेती हो रही है, और ये अभी सरसों का साग जो है अभी बहुत छोटा है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं पूरा ये खाली मैदान है, और आपको लगता होगा कि ये फुटबॉल का ग्राउंड है, लेकिन ये फुटबॉल का ग्राउंड नहीं है, ये यहाँ पे घास की खेती होती है। अब आप सुनते हो, सुन के आपको लगेगा आश्चर्य कि घास की भी खेती होती है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये सब घास की खेती हो रही है, और ये एक प्लास्टिक जो आप देख सकते हैं, ये एक नीचे एक लेयर बिछाया हुआ वो जाता है, और उसके ऊपर घास की खेती होती है, और यहाँ से ये प्लास्टिक को रोल करके और जहाँ पे घास का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे ये लोग प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी अच्छा और सुंदर दृश्य है का बड़ा ही खेत है, और बड़ा खेत में काफ़ी अच्छा सरसों के फूल खिल गए हैं और सभी ने, और बहुत जल्द ही यहाँ की जो सरसों है उसमें सरसों अभी नहीं आई हैं, धीरे धीरे ये अगर इसमें सरसों के दाने आ जाएंगे। लेकिन ये जो खूबसूरत एक फिल्म की, हिंदी फिल्मों में दिल तो पागल है में शायद आपने देखा होगा कि इसके बीच से काजोल का एक मूवमेंट दौड़ती हुई काजोल को दिखाया गया था और फिल्माया गया था गाना भी, और सरसों के फूल पर भी बहुत सारे फिल्मों के गाना है। लेकिन मैं आपको वहाँ पर इसके संग संग और भी बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए चलिए चलते हैं अगले खेत में। गर्मियों के दिन में यहाँ पर बहुत ही शांत और शीतल वातावरण होता है, यहाँ पे गर्मी के दिनों में यहाँ पे आके काफ़ी राहत महसूस होगी अगर यहाँ पर बैठा जाए। ग्रामीण क्षेत्र में एक बांसों का एक बगीचा है, इस बगीचे में घूम रहा हूँ। बगीचे के बहुत सारे पेड़ हैं बांसों की जो है, और ऐसे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो घास प्रजाति के होते हैं, ये बांस जो होते हैं वो घास प्रजाति के होते हैं। और निकलते हुए मैं अभी आपको, जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि इस ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी तरह तरह की फसलें जो उगाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है मुख्य व्यवसायिक के तौर पर यहाँ पर जैसे ये घास के जो मैदान दिख रहे हैं ये सब घास की खेती होती है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता था कि कोलकाता से इतने करीब इतने बड़े आम का बगान होगा या फिर बगीचा होगा यहाँ पे। मैं बगान इसलिए बोला कि यहाँ के बंगला भाषा में बगीचे को बगान बोला जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ा आम का बगीचा है, ये काफ़ी दूर दूर तक पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे हैं आम के। ये एक संग आम का भी है और केला का भी बगान है, बगीचा है ये। एक साथ इसमें आम के साथ साथ केले की भी खेती होती है, तो ये बगीचा एक मिक्स टाइप के है। यहाँ पे आम के भी पेड़ हैं, केले के भी पेड़ हैं, उधर कटहल का भी पेड़ है, और विभिन्न अन्य प्रकार की पेड़ है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो उधर अमरूद के जो है उसका भी पेड़ है। ये घास के खेत में पानी से जो पटौनी का काम जो होता है वो हो रहा है, आप देख सकते हैं। जैसे कि ये घास जो पॉलीथीन के ऊपर बिछा कर उसके बाद घास की खेती होती है, और उसको जो मैंने पहले भी बताया कि एक रोल कर लिया जाता है इसको। देखिए, एक तरफ वहाँ पे केला का बगान है, पूरा केला का बगीचा है,
और उसके बाद घास की खेती हो रही है यहाँ पे सरसों के, ये सरसों का खेत है और फिर इधर घास की खेती हो रही है और फिर उधर बीन्स की खेती हो रही है और उसके बाद फिर सरसों की खेत है और उधर पे एक फूल की भी खेती होती है और आगे ये आम का जो बगीचा है दिख रहा होगा आपको, मैं आगे आपको एक फूलों के बगीचे की तरफ ले चलता हूँ। अब मैं आपको ये एक खेत दिखा रहा हूँ, इस खेत में यहाँ पे ये मकई के ये पौधे लगे हैं और उसके बाद उसी बीच में सरसों के भी पेड़ हैं और पौधे हैं, माफ़ कीजिएगा मैंने पेड़ बोला जबकि पौधे होते हैं, और ये सरसों के पौधे हैं और उसके ऊपर जो है लौकी की खेती की गई है। लौकी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लौकी भी यहाँ पे आपको बहुत सारी लौकी हुए हैं और ये बहुत जल्द ही 10-15 दिनों में लौकी बड़े हो की फसल तैयार हो जाएगी। और एक संग यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को एक संग खेती की जा रही है। यहाँ पे जो लौकी की खेती हुई है उसको मैं दिखा रहा हूँ, उसके नीचे जो है एक रजनीगंधा फूल की भी खेती हुई है इसमें, और साइड में जिसके धारियों में एक मकई की और सरसों के दोनों पौधे लगे हुए हैं। और ये उसके किनारे ये पत्ता गोभी का ये सब फसल भी लगाया गया है। आज एक संग मुझे कई प्रकार के फसलों के खेतों को देखने को मिला और ये जो खेत है मसूर की दाल जो होती है उस सब की ये फसल है। अब भाई फिर पुनः हम लोग आम के एक बगीचे से एक दूसरे बगीचे से होते हुए जा रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूरे गांव को भ्रमण करने में जो मेरे साथ मेरे ये सहायक ये छोटा बच्चा ये ही अब मुझे पूरे गांव भ्रमण करवा रहा है और ये सबकी जानकारी दे रहा है मुझे। अब ये बोल रहा है कि आगे फूलों की भी खेती होती है, गुलाब फूल की भी खेती होती है, तो वो देखने के लिए मैं आपको आगे इधर से ले जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं जो ये गांव में घूम रहा हूँ वहाँ पे तरह तरह की फसलें और खेती होती है। यहाँ पे देख सकते हैं जो ये हमारे किसान भाई हैं, ये घास की जो खेती हुई है फसल तैयार हो गई है और इसे वो लोग रोल कर रहे हैं और रोल करके और इसको जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे सप्लाई किया जाता है और सप्लाई करके और वहाँ से पूरे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और जैसा कि ये जो खेत है इसमें आप देख सकते हैं ये प्याज की खेती है, इसमें प्याज की खेती हो रही है और उधर इसके पास में जो है वो आलू की खेती हो रही है। ये प्याज जो अभी भारत में एक चर्चित विषय है, ये प्याज की खेत। अब वो प्याज की खेत तो आपको दिखा दी, और प्याज के खेत के पास में ही एक नर्सरी की तरह ये है और नर्सरी की में जैसे फूलों की होती है वैसे यहाँ पे फूलों की एक 3-4 क्यारियाँ हैं जिसमें तरह तरह के फूल लगे हुए हैं। और ये सब गुलाब की फूल की जो क्यारियाँ हैं, रास्ते में मुझे एक और ये खेत में देखने को मिला जिसमें केला का खेती जो शुरुआत में केला का जो कैसे बगान लगाया जाता है इसका ये खेत है। यहाँ पे एक केले के संग संग और भी कुछ जैसे लौकी और ये सब भी हैं, इसके भी पौधे लगाए गए हैं और केले के जो ये बगान बनाया जा रहा बगीचा, और इस बगीचे के पास में ही ये एक रजनीगंधा जो फूल होती है रजनीगंधा फूल की ये खेती हो रही है। इसमें से फसल काट ली गई है एक बार की, और ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये रजनीगंधा की ऐसे ऐसे होती है, यहाँ पे बहुत सारी एक आध दो आप दिख रही है जो होती बहुत सारी है लेकिन इसमें से काट ली गई है, एक बार फसल काट ली गई है और ये दूसरी फसल जो है या फिर उसमें से कुछ जो बच जाते हैं जो कच्चे रहते हैं उसको छोड़ दिया जाता है, उसको छोड़ा हुआ जो है इसमें से कुछ है। और इधर जो है पूरा जो खेत केले का जो खेत है और इसे
केला का बगान बनाया जा रहा है, इसमें केले की खेती हो रही है, शुरू की जा रही है। ये बहुत जल्दी ये भी तैयार हो जाएगा। और ये जो केले के खेत में बीच बीच में जो देख रहे हैं आप सब, ये जो लगाया गया है जो केले के पौधे के पास में जो है, वो सब खीरा जो है कुकुम्बर उसका खेती है, पौधे हैं जो एक संग उसकी भी खेती यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर थोड़ी सी मात्रा में पालक साग की भी खेती हुई है। और जैसे कि देख सकते हैं उधर किला का जो बगान बनाया जा रहा है, उसमें फसल लगभग पुराने जो केले के पेड़ हैं उसमें के किला लग भी गए हैं और बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित तरीके से ये खेती जो की जा रही है यहाँ पर। आप सबको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे इतनी व्यवस्थित और सही तरीके से और एक निश्चित दूरी बनाकर यहाँ पर फसल उगाई जा रही है। ओए वैसा मत करो, ये और ये सरसों के खेत जो मैंने केला का बगान जो दिखाया और उसमें खीरा का जो खेती होती है, पौधे लगे हुए हैं और उसके पास में सरसों के खेत हैं, उसके बाद इधर केला का पुनः बगान है। और ये सरसों की बहुत ही आकर्षक लग रहे हैं ये दृश्य। फूल पूरा अभी खिले नहीं है पूरी तरह, जब पूरे फूल खिल जाएंगे तो ये और भी पीले हो जाएगा। दोस्तों तो ये था एक कलकत्ता से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर एक जो एक गांव है काशीनाथपुर, उस एरिया में मैं घूम रहा था और घूमते घूमते मन किया कि एक ग्रामीण भ्रमण का और जो ग्राम में क्या क्या खेती हुई है इसकी एक तस्वीर निकाल के एक वीडियो बना के आपको दिखाने की मैंने प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, आपका लाइक से मोटिवेट होते हूँ मैं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।